बेतिया साइबर पुलिस व नौतन थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्यवाही की है। थाना क्षेत्र में छापेमारी कर साइबर अपराध से जुड़े तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तीनों की गिरफ्तारी अलग अलग स्थानों से हुई। उसके पास से एटीएम कार्ड, बैंकों की पासबुक, मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार बदमाशों में शिव साह टोला, विक्की कुमार, बैद्यनाथ नगर के संदीप कुमार व नौतन हाई स्कूल का हरिजन टोली के विजय राम है। गिरफ्तार बदमाशों का नेटवर्क देश के कई राज्यों में फैला है। मामले में साइबर डीएसपी गौतम शरण ओमी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि विक्की कुमार का कनेक्शन साइबर फरार गिरोह से है। पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की, फिर उसकी निशानदेही पर संदीप कुमार और विजय राम को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि तीनों बदमाशों ने लाखों रुपए की हेराफेरी की है। फ्रॉड की गई पैसे को विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से आगे भेजा जाता था, जिसके लिए खाता धारकों को कमीशन भी दिया जाता था। गिरफ्तार सभी बदमाशों के खाते को बंद किया जा रहा है। साइबर थाना को गुप्त सूचना मिल रही थी कि नौतन थाना क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधकर्मी हैं, जो साइबर ठगी का काम कर रहे हैं। साइबर ठगी में जो पैसा आ रहा है, उस पैसे को विभिन्न अकाउंट में ट्रांजेक्ट कर रहे हैं। तो इसके सत्यापन करने के लिए साइबर थाना की पुलिस टीम, नौतन थाना की पुलिस टीम के सहयोग से विभिन्न जगहों पे रेड मारी, छापेमारी की, जिसके अंतर्गत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से मोबाइल जब्त की गई है, जिसमें वीडियो कॉलिंग, वीडियो चैट, व्हाट्सएप चैट, वीडियो कॉलिंग, विभिन्न साइबर अपराधकर्मियों के साथ किया गया है। और जिससे हमें पता चला कि ये लोग साइबर क्राइम में इन्वॉल्व हैं और साइबर क्राइम में जो पैसा आता है वो इनके द्वारा विभिन्न अकाउंट में ट्रांजेक्ट किया जाता है। तो ये सारा जो बैंक अकाउंट्स है वो साइबर अपराधकर्मी को उपलब्ध करा देते हैं और इसके बदले में वो कुछ कमीशन हिस्सा लेते थे। इस संबंध में पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है, केस दर्ज कर ली गई है और अनुसंधान जारी है। कितने लोग पर सर अब तक FIR हुआ है इस मामले में? तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी अन्य लोग भी हैं, नामजद हैं, जिनके हम लोग कार्रवाई करेंगे।